बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके एसएसटी की टीचर आसमा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2, मैप रीडिंग स्किल्स। चैप्टर नंबर 1, ग्लोब्स एंड मैप्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या है? अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो जमीन का मॉडल है। एंड इज आल्सो काइंड ऑफ मैप, जो कि मुख्तलिफ नक्शों की इकसाम है। इस पे यू कैन सी द होल वर्ल्ड ऑन अ ग्लोब, पूरी दुनिया को ग्लोब पे देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ मैप? नक्शा क्या है? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ। एक मैप जो है वो मुख्तलिफ जगहों को ड्रा किया गया है। सी फ्रॉम डायरेक्टली अबव, जिसको बराह रास्त देखा जा सकता है। मैप आर नॉट राउंड लाइक ग्लोब्स, मैप नक्शा जो है वो ग्लोब की तरह नहीं होता, उसकी तरह वो गोल नहीं है। जैसे कि एक ग्लोब गोल है, इसी तरह नक्शा गोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के बड़े आसमों के नाम लिखें। आइए इसका आंसर देखें। द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड आर, बड़े आसमों के नाम हैं। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 5 साउथ अमेरिका, नंबर 6 ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नियर बाय आइसलैंड, नंबर 7 एंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ ओशन इन वर्ल्ड, दुनिया के समुद्रों के नाम लिखें। द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड आर, दुनिया के ओशन ऑफ वर्ल्ड आर, दुनिया के जो समुंदर हैं उनके नाम हैं। द इंडियन ओशन, बहरे हिंद। द अटलांटिक ओशन, बहरे ओकियानूस। द पैसिफिक ओशन, बहर काहिल। नंबर 4 है द आर्कटिक ओशन, बहरे मुंजमित शुमाली। नंबर 5 द एंटार्कटिक ओशन, द एंटार्कटिक ओशन, बहरे मुंजमित जनूबी। फ्रेंड्स, आप सब ने आज के इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और फिर इसका क्विज सॉल्व करना है। अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ समझना है या फिर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जिसका आपको फौरी तौर पे जवाब दिया जाएगा। कल इंशाल्लाह इस लेक्चर से रिलेटेड हम आपको कुछ क्विज देंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे। फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।